नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनियम कॉइन की। ठीक है, इलेक्ट्रोनियम का जो टोकन हाल ही में 14 सितंबर से 31 सितंबर तक उसका ICO लॉन्च हुआ था और उसका जो टोकन है वो सेल हो चुका है, और अभी वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेसिंग हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह कॉइन एक्सचेंज पर लॉन्च होना था। ठीक है, तो यह इसकी वेबसाइट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनियम.com। ठीक है, इलेक्ट्रोनियम का जो टोकन है वो ऑलरेडी उसका जो ICO क्लोज हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका जो ट्विटर का अकाउंट है याहू फाइनेंस कर रहा है इसको फुल्ली, और जो कि ब्रिटिश फर्स्ट ब्रिटिश क्रिप्टो करेंसी है यूके की है। ठीक है, और जो फाइनेंस मैनेजमेंट्स हैं, ICO बेंचेस हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो मेनली याहू कर रहा है इसको। ठीक है, तो याहू की मेल होगी ना आपके पास, तो इस तरह से इसका जो स्पॉन्सरशिप है मेनली उसका याहू है। और इलेक्ट्रोनियम का जो टोकन है वो टोटली प्योरली जो टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आप अपने मोबाइल से इलेक्ट्रोनियम का जो टोकन है उसकी माइनिंग कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोनियम का जो कॉइन है वो कर सकते हैं। माइनिंग के बाद आप कॉइन रेडी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उस कॉइन को आप सेल कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी ICO से जो भी टोकन बाई कर रखा है, उसके बाद उन टोकन्स के जितने भी कॉइन मिलेंगे आपको, वो माइनिंग होने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वॉलेट में, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर यह कॉइन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 1 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनियम की जो ट्रेडिंग है वो ऑलरेडी 1 नवंबर से क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पर चल रही है, और बाकी की जो एक्सचेंज है उन एक्सचेंज पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका जो वॉलेट है, जितने भी लीडर्स हैं, 3 लाख यूजर्स हैं जिन्होंने इसका जो ICO बाई किया था, लगभग $40 मिलियन का जो टोकन का ICO सेल हो चुका है ऑलरेडी, तो ये इसकी टीम है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो टीम मेंबर्स हैं वो एज पर प्रोफेशनली हम कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि मोबाइल से किसी भी कॉइन की माइनिंग करना आज की डेट में एक टोटली टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, ये इसके एडवाइज़र हैं एंडी डैनसन, तो और ये इसका स्पॉट ईमेल है, और इसका जो ऑफिस एड्रेस है वो ये है। ठीक है, और इसका जो ऑफिस है वहाँ पर 1 नवंबर से पहले से ही काफ़ी काम चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनियम का जो कॉइन है, टोटल सप्लाई इसकी 14 मिलियंस टोकन इसके ऑलरेडी ICO में सेल हो चुके हैं। $40 मिलियन के टोकन इसके ICO में सेल हो चुके हैं, और उसका रेट था 0.01 USD। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं, जैसा कि आप सभी को पता है एक माइनिंग करेंसी है मोबाइल के द्वारा, और स्विस बोर्ग और ये क्राउड होल्डिंग ईथ एंड ये जितने भी चीज़ हैं ICO में, इनके बेस पर ये जो टेक्नोलॉजी है वो रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो इलेक्ट्रोनियम का कॉइन है इसके ऊपर जो इसकी टीम है वो काफ़ी टाइम से, इसके अंदर एक साइबर अटैक हो चुका था, और उस साइबर अटैक के कारण सिस्टम में बग आ गया था। ठीक है, और सिस्टम में बग आने के कारण उसको दूर करने में टाइम लगेगा। जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग के बाद इसकी पूरी डिटेल्स दी गई है tokenmarket.net के ऊपर। ठीक है, जो कंसेप्ट है वो आपको पता है, ये एक टोटली मोबाइल बेस्ड करेंसी है, और यह इसकी टीम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं इसको खरीद चुके हैं इसके जो टोकन्स को, और यह मार्केट में आने वाला है। जैसे ही एक्सचेंज पर आएगा इसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, डॉलर्स में जाएगा। GIT अब में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। GIT अब क्या है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह इसकी डिटेल्स दिखा रहा हूँ मैं कि जो इलेक्ट्रोनियम का जो टोकन है वो एक जेन्यून टोकन है, और इसके बारे में जो भी स्टडी किया है मैंने उसके बारे में ज़रा आगे देखिए आप। ठीक है, तो ब्रिटिश क्रिप्टो करेंसी जो इलेक्ट्रोनियम है इसके ऊपर ऑलरेडी साइबर अटैक हो चुका है, उस अटैक के कारण इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी वॉलेट्स थे यूजर्स के अकाउंट में अभी तक कॉइन आया नहीं है, और वो कॉइन आने के लिए उस सिस्टम से बग निकाल रहे हैं, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है जावास्क्रिप्ट से, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दिन रात उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और जो भी फ्रेंड्स है 2 से 3 वीक का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो भी आपने टोकन बाय किया था इलेक्ट्रोनियम का ICO से तो आपका वॉलेट में वो टोकन आएगा, लेकिन अभी सिस्टम में बग है और उस बग को निकालने के लिए इनको तीन वीक कम से कम टाइम चाहिए एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और यह इसका जो ICO लॉन्च हुआ था वो ऑलरेडी इसका फिनिश हो चुका है ICO 31 अक्टूबर को ऑलरेडी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनियम की जो टीम है वो टोटली जो टेक्निकल चीज़ें हैं
सिस्टम के अंदर वो आ चुकी हैं अभी, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम कम लगेगा अभी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, टोकन क्रिप्टोपिया पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोनियम की ट्रेडिंग हो चुकी है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। यह आज का मैं वॉल्यूम दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में बाई ETN है, राइट साइड में सेल ETN है। अगर आपके पास ETN के जो टोकन है, अगर आप अभी कम रेट में यहाँ से भी अगर बाई कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा फ्यूचर में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो मार्केट वॉल्यूम है आज के दिन 178 BTC का चल रहा है, और करंट रेट 658 है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ी बहुत मैंने ट्रेडिंग की है इसमें, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने इतने पे बिड लगा के छोड़ रखी है मैंने, 1718 सतोसी पे, ठीक है। और ऑलरेडी काफ़ी ट्रेडिंग की है मैंने इसमें, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे इसका वॉलेट रिपेयर हो जाएगा तो आपका आपका जो वॉलेट है उसके अंदर इसका जो कॉइन है इलेक्ट्रोनियम का वो आ जाएगा, और जब माइनिंग प्रोसेस है वो मोबाइल के थ्रू होगी। देख रहे हैं आप, जैसा कि डेट 2 नवंबर 2017, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनियम का जो टोकन है, इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें फेसबुक से मिलती है। फेसबुक पे इलेक्ट्रोनियम का ऑलरेडी पेज है, तो आप उस पेज से अपडेट रहिए। और इसकी एक जो एक्सपर्ट है उनकी न्यूज़ मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रोनियम का जो टोकन है, कॉइन है, जो भी मार्केट में आने वाला है, उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। ड्यू टू दैट टेक्नोलॉजी उसके अंदर बग आ गया है, और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो डिटेल में लीक आउट जो किया है टेक्नोलॉजी का, उसके कारण हैकर्स ने उसके जो सर्वर है वहाँ से उसको स्टोलन करने की काफ़ी कोशिश की है, ठीक है। तो इसके कारण अभी वो जो वॉलेट है, ताकि ज़्यादा सिक्योर हो जाए, उसके लिए हमें वो देना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी न्यूज़, ये एक मिस्टर एक्सपर्ट है, तो इन्होंने बस इसमें यही बता रखा है कि इन्होंने जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ऑलरेडी डिस्कस पहले कर दी थी, जिसके कारण काफ़ी जो लोग हैं मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी को कॉपी करके, और जितने भी हैकर्स हैं इनकी टेक्नोलॉजी को वहाँ से चुरा कर खुद का ICO लॉन्च करना चाहते हैं, इस तरह की न्यूज़ दी हुई है, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि कॉइन मार्केट कैप में आप देख रहे हैं इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो करंट प्राइस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपको वेट करना होगा, यही इसका फेसबुक पेज है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोनियम की जितनी भी न्यूज़ है इसका जो फेसबुक पेज है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर जानकारी समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।